लोग कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो सब बढ़िया। आज है हम लोग उल्टा प्रासरण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? और ये उल्टा प्रासरण जो है वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनको आप ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। क्यों कंप्लीट कर लोगे? क्योंकि ये 2022 में यह प्रश्न जो है आने का संभावना है। हो सकता है कि 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए बबुआ लोग इनको जो है ना पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना, ये उल्टा प्रासरण। तो चलिए देखते हैं उल्टा प्रासरण का परिभाषा। तो एग्जाम में आप उल्टा प्रासरण के बारे में डिफिनेशन कैसे लिखोगे? आप लिखोगे, यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दबाव लगाया जाए, ठीक है? इतना सा आपको क्या करना है, लिखना है। क्या लिखोगे? यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से, कौन सा दाब से? प्रासरण दाब से अधिक दबाव लगाया जाए, ठीक है? अधिक दबाव लगाया जाए तो अर्धप्रागम्य झिल्ली के, कौन सी झिल्ली के? अर्धप्रागम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का बहाव, ठीक है? अर्धप्रागम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को जो है ना उल्टा प्रसरण कहते हैं, ठीक है? इसी प्रक्रिया को हम लोग उल्टा प्रसरण के नाम से जानते हैं। कितना आसान है इनका परिभाषा, कितना छोटा सा परिभाषा है। और हम लोग टेंशन लेते हैं कि उल्टा प्रसरण का परिभाषा हमको याद करना होगा। आप लोग को याद नहीं करना होगा, बस इनको जो है ना एक दो बार आप रिवीजन कीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो है ना जब भी याद किया करो तो लिख के याद किया करो, ठीक है? तो आप लिखोगे उल्टा प्रसरण के बारे में क्या लिखोगे? लिखोगे, यदि विलयन पर, किस पर? विलयन पर उसके प्रसरण दाब से अधिक दबाव लगाया जाए, ठीक है? उसके प्रसरण दाब से अधिक दबाव लगाया जाए तो अर्धप्रागम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से, अर्धप्रागम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का बहाव जो है शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। विलायक का बहाव जो है शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग उल्टा प्रासरण के नाम से जानते हैं, या इनको उल्टा प्रासरण कहते हैं। देखिए परिभाषा आसान है, इनको बाबू कंप्लीट कर लेना, ठीक है? टेंशन नहीं लेना। आप लिखोगे, यदि विलयन पर उसके प्रासरण दाब से, किसके प्रासरण दाब से? उसके प्रासरण दाब से अधिक दबाव, ठीक है, क्या किया जाए, लगाया जाए तो अर्धप्रागम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का जो बहाव है वो शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलते हो? उल्टा प्रसरण बोलते हो। तो देखिए बाबू, आप लोग को वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट, ये तीनों में से कोई एक चीज तो जरूर करना, ठीक है? तो चलिए, आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और ये क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। तो जितने भी 12th के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है या अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक आप यदि देखे हो तो इस क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कर लेना। चलिए क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, धन्यवाद।